नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा खुराना और मैं GCG 42 कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर की छात्रा हूँ। आज फ्राइडे फेबल्स के स्टेज से मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है कफन और इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। इस कविता को लिखा गया था 1936 में जब दलित्स के हालात भारत में कुछ ज़्यादा सराहनीय नहीं थे। तो देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी कफन में क्या लिखते हैं। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों का कलेजा हिल जाता था। जाड़े की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, एक बार उसे देख तो आ। माधव ने चिढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती, और मैं भी अंदर जाकर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है वे, जिस साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना काम चोर कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिल्लम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की जैसे कसम हो जाती थी। जब 2-4 फांके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार बेचकर पैसे ले आता, और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे से फिरते थे। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था भाई साहब, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत ना होती, क्योंकि यह तो इनकी प्रकृति थी। बिल्कुल विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चीथड़ों से अपनी नंगता को ढके हुए जिए जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए। गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल के दूसरों आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ कर लाते और भून भून कर खा लेते, या 10-5 ऊख उठा कर लाते और रात में चूसते। घीसू ने इसे आकाश वृत्ति से 60 की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के नक्शे कदमों पर चल रहा था, बल्कि अगर कहें तो उनका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी खेत से खोद कर लाए थे। घीसू की बीवी को तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से वह औरत इस घर में आई थी ना, उसने खानदान में व्यवस्था की जैसे नींव डाल दी थी और इन दोनों बेगैरतों का पेट भी भरती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निडर भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना में मर रही थी और यह दोनों इस इंतजार में थे कि कब वह मर जाए
और ये दोनों आराम से सो पाए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। लेकिन माधव को भय था इस बात का कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। तो माधव बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहां हूं ही, तो तुम ही जाकर देखा। जब मेरी औरत मरी थी ना, तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझसे क्या वो लज्जाएगी नहीं। जिसका आज तक कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उजड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध-बुध भी नहीं होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। कुछ सोचकर माधव ने कहा, मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। तो घीसू ने बिल्कुल आरामदायक आवाज में कहा, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं, वो ही कल बुलाकर रुपये देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी ना किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया ना, तुम्हारा भी लगा देगा। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की दुर्बलताओं का लाभ उठाना जानते थे वहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजों की मंडली में भी जा मिला था। हाँ, लेकिन उसमें यह शक्ति न थी कि बैठक बाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बन चुके थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से दोनों ने कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ना था दोनों में कि आलूओं को ठंडा तो हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें भी जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान हलक और तालू को चला देता है, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी बात में है कि वह सीधा अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकलते जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी कई आंखों से भी आंसू निकलने लगे, लेकिन उन्होंने ऐसे ही काना सही समझा। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। घीसू बोला, वह भोज नहीं भूलता, तब से फिर उस तरह का खाना और भर पेट नहीं मिला आज तक। लड़की वालों ने सबको भर पेट पूड़ियाँ खिलाई थी, समझते हो, सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई, और वो भी असली घी की, चटनी रायता 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही चटनी मिठाई। अब क्या बताऊँ कि उस भोज में क्या स्वाद मिला, कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ।
लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ना किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल स्वादिष्ट कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। इतना खा लिया था कि खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था यह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोजन नहीं खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा। वह ज़माना दूसरा था, अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। सभी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो, पूछो इनसे गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्चने में किफ़ायत ज़रूरी है। तुमने 120 पूड़ियाँ खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं होता तो 50 खा जाता, 50 से कम तो मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पका था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़ कर पाँव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी पत्नी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में जो बच्चा था वह मर चुका था। माधव भागा भागा गीसू के पास गया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करते और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए, पर पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पिटने का अवसर ना था, कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे, कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट भी चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है, अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू ने जमीन पर सिर रख कर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ, माधव की घर वाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही सरकार, हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई, अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा, मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया हमारा, आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, जो कुछ था वह सब तो दवादारों में उठ गया, सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे, चल दूर हो और चला जाए यहां से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, रामकोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर ना था,
जी में कुड़ते हुए 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का कोई बोझ उतार दिया हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव में बनिए महाजनों से इनकार ना हो पाया। गीसू जमींदार के नाम का डिंडोरा भी पीटना अच्छे से जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर तक घीसू और माधव बाजार में कफन लाने चले गए। इधर लोग बांस वांस काट रहे थे। गांव में नरम दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती और उसकी बेकसी पर बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव भी बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब बस कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात तो हो ही जाएगी, और रात को कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है ना, कि जिसे जीते जी तन ढांकने के लिए चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ चल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू ही कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात तार रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों न जाने कैसे दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे, और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी सुनिए, एक बोतल हमें भी दे देना। उसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछली आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ थोड़ी ना चला जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवी देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को 1000 रुपये क्यों दे देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास नहीं है। लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। इस बात पर घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गए, बड़ा ढूंढा नहीं मिले, लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपये देंगे। माधव भी इस बात पर हंसने लगा और बोला, इस अनपेक्षित सौभाग्य पर, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मेरी तो बहुत मरी, तो बहुत खिला पिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, आचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक लपक कर दो पतलों से सारे सामान ले आया। पूरा डेढ़ रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच गए। दोनों इस वक्त इस शाम में बैठे हुए पूड़ियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो।
न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक से जी हजूरी की, होगा, जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ में ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला ना, वह कभी उम्र भर ना मिल पाता। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी, तो वह बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही। गीसू ने इस भोले वाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से वो पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो वो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है क्या? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं मैं? उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया, तो वह बोला, अच्छा कौन देगा? रुपये तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी ना, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने भरा था, कौन देगा? बताते क्यों नहीं हो? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया था। हाँ, अब की बार जब देंगे तो रुपये हमारे हाथ ना आएंगे। जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक और भी बढ़ जाती थी। कोई गाता था, कोई ट्यून मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटता था, तो कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्लड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था और हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी उन्हें, और कुछ देर के लिए वह भूल जाते थे कि वह जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और यह है दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्यवान हैं, पूरी बोतल बीच में है। भर पेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देखे जा रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में उसने पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचाएगा। राय राय से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखा और देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, देखना बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो और कौन जाएगा? वो मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। कितना दुख झेलकर मरी वो बेचारी। वह आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा, चीखें मार मार कर रोने लगा। घीसू ने उसे समझाया,
क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ गए। और दोनों उठ खड़े हुए और खड़े होकर गाने लगे। ठगनी क्या नैना झमकावे ठगनी, ठगनी क्या नैना झमकावे ठगनी। पियकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछलने लगे, कूदे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किया और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो यहीं ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी को बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टोरी कहा गया है कि मुंशी प्रेमचंद जी खुद उस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते थे, शायद इसी वजह से उन्हें इतना नेगेटिव कलर दिया गया इस स्टोरी में। लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ इस स्टोरी के रिगार्डिंग, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इस कहानी में लिखा गया है वो सच है। इसमें किसी को किसी तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं की गई। इसमें बताया गया है कि भूख आपसे क्या क्या करवा देती है। अगर आप भूखे हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कुछ भी करोगे अपना पेट पालने के लिए। आप खुद को ही कंसिडर करो। अगर आपको दो दिन खाने का सपोज कुछ नहीं मिलता, आप पागल हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वही कंडीशन इनकी है। हाँ, उन चीज़ों में भी लिखा गया है कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे कमाने में या कुछ भी करने में, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारा दर्जा तो कुछ इसी तरह ही है ना समाज में। तो जब इन्होंने हमें समझ लिया है कि हम ऐसे हैं, तो हम ऐसा बनकर उन्हें दिखाई देते हैं। और ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये सब में होती है कहीं ना कहीं। सो दिस इज़ माई टेक अवे फ्रॉम दिस स्टोरी। और प्लीज़ हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और फ्राइडे फेबल्स और ऐसी नई कहानियों के साथ आता रहेगा, तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।